हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनविका यूट्यूब चैनल में। एक बार दोबारा हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग शिमला से मनाली आने वाले थे, तो रात को हमारी 9 बजे की बस थी जो हमें सुबह 6 बजे यहाँ पे मनाली पहुँचाने वाली थी, पर उसने हमें 4 बजे ही मनाली पहुँचा दिया, जिससे थोड़ा सा सुबह के टाइम दिक्कत हुई। लेकिन हम कैब लेके होटल आ चुके हैं जो कि पहले से ही बुक था। अब बजे हैं सुबह के 10, हम सो के उठे हैं, थोड़ा फ्रेश होके अब ब्रेकफास्ट चल रहा है। उसके बाद 12 बजे करीब हम लोकल टूर के लिए निकलेंगे और आपसे मिलेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं वन विहार, जो कि हमारे होटल से सिर्फ 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। इसकी एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 20 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स। बाहर से देखने में ये ऐसा लगेगा जैसे अंदर जू है, पर नहीं, ये एक थीम बेस्ड पार्क है, फॉरेस्ट थीम है। जैसे धनौल्टी में आपको बड़े बड़े ट्रीज़ वगैरह दिखते हैं, ऐसे यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। यहाँ पे आप आके नेचुरल फ़ोटोग्राफी, नेचर का व्यू, एक नेचुरल ट्रीज़ की स्मेल और एक बहुत ही अच्छा साइलेंट एनवायरनमेंट इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे कोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में लिखा है, वहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या एरिया है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी। बच्चों के लिए यहाँ पे छोटे मोटे झूले वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पे आके झूल सकते हैं। यहाँ पर हिमाचली बर्ड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन कौन से बर्ड्स हैं, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें मिला है एक छोटा सा रैबिट, छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा रैबिट है, चाहत को बहुत पसंद है। वो कह रही है कि इसे ले चलो, लेकिन ले जाने के लिए तो नहीं, पर हाँ, हम इसके साथ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, जिसके चार्जेज हैं 30 रुपीज़। आप इसको गोदी में लेके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। 30 रुपीज़ सिर्फ पर पर्सन का था, अगर आप दूसरे को देते हैं तो उसका चार्जेज अलग जुड़ जाएगा। ये आगे का एरिया बोटिंग का है, हमें इतना अच्छा लग नहीं रहा है कि छोटा मोटा है, थोड़ा गंदा है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे बोटिंग करने का। पर हाँ, 80 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस बताए हैं बोटिंग के, तो हम तो नहीं करने वाले, अगर आप आते हैं तो आप बोटिंग कर सकते हैं। वन विहार से निकल के 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है माल रोड। हम लोग यहाँ से पहले ऑटो लेके जाएंगे हिडिम्बा देवी टेम्पल। ऑटो का फेयर यहाँ से आपको पड़ेगा 150 रुपीज़, जो आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। तो हम पहुँच चुके हैं हिडिम्बा देवी टेम्पल, और जो हिडिम्बा देवी थी वो भीम, जो महाभारत के 5 पांडवों में से एक हैं, उनकी पत्नी थी, तो उन्हीं का ये मंदिर है। चलो देखते हैं आगे क्या है इसमें और बताते हैं आपको आगे। यहाँ पे आपको गोट, काओ, याक, डियर के स्कल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि ये देवी का रूप एक राक्षसी रूप था, और इनको भूटाना देवी और पल्लवी के नाम से भी जाना जाता है। तो कर लिए अब हमने दर्शन और बढ़ते हैं आगे। मंदिर का गेट काफ़ी छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था। अंदर घुसते ही आपको एक स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। आसपास चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर जगह है। आप भी आइए और इस जगह को एंजॉय ज़रूर कीजिए। जब भीम ने अपने चारों भाइयों और मदर के साथ जंगल में शरण ली थी, तब हिडिम्बा देवी ने उन्हें देखा था और हिडिम्बा देवी को भीम से प्यार हो गया था। उसके बाद इन्होंने शादी कर ली और उनसे ही इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। मंदिर से जब आप बाहर की तरफ जाएंगे तो आपको छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह दिखेंगे, जहाँ पे आप खा सकते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं, विंटर के वूलन आइटम्स वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे गांव की जो लेडीज़ हैं वो हिमाचली ड्रेस में आपको रेंट पे देती हैं, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ उनका चार्जेस होता है, और जिसको आप पहन के अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं।
बाहर निकलते समय आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे याक वगैरह दिखेंगे जिन पे आप बैठ के उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ चार्जेस है याक के साथ फ़ोटोग्राफी करने के लिए, चाहे आप उस पर बैठिए, उसके साथ खड़े होइए, अपनी फैमिली के साथ खड़े होइए। यहाँ पे पर पर्सन वाला हिसाब नहीं है, आप पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो ले सकते हैं 50 रुपीज़ में। थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें मिले हैं ये भैया, और ये बहुत ही अच्छी वुडन प्लाई पे पेंटिंग करके और उस पर आपकी नेम प्लेट वगैरह बनाते हैं। इस पर आप कोटेशन लिखवा सकते हैं, किसी का भी नाम लिखवा सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप इस पर लिखवा के ले जा सकते हैं। इसका कॉस्ट है 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 150, 200 और ये 300 और 350 तक का आपको मिल जाएगा। हिडिंबा देवी टेम्पल से ऑटो लेके हम आ चुके हैं वापस माल रोड पे। जाते समय का फेयर था 150 और आते समय 100 लगा है, और ये इनका यूनियन का फिक्स रेट है। अब खाते हैं चाहे तो और मेरा ऑल टाइम फेवरेट मोमोज, और उसके बाद चलते हैं होटल, करेंगे आज के लिए रेस्ट। मिलते हैं आपसे कल। आज का जो टूर था हमने किया लोकल साइट सीन जो कि हम खुद से घूमे, कल हम जाएंगे स्नो पॉइंट पे, कोकसर, अटल टनल, शिशु वैली। मिलते हैं, बने रहिए तब तक हमारे चैनल पे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।